आज डाउटनेट आप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न है, घातांकों का उपयोग करते हुए निम्न को विस्तृत रूप में लिखिए। देखिए क्या होता है इसमें, जैसे संख्या में दी गई है 1025.63। हमने यहाँ से शुरू करते हैं तो यहाँ पर क्या लिखा जाता है, जैसे यहाँ दशमलव लगी हुई है तो ये होता है कि 5×10^0। और जब इस पे पहुँचते हैं हम दहाई के अंक पर, तो यहाँ पर हमें 10 से गुणा करनी होती है, तो यहाँ पर हम लिखते हैं 2×10^1। और जब हम इसको प्रदर्शित करते हैं ये तो 0 है, तो इसको तो लिखने की ज़रूरत ही नहीं है। और जब हम यहाँ पे पहुँचते हैं तो यहाँ पर अगर हम इसे देखें तो हमें इसको प्रदर्शित करने के लिए कौन से उस पर इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, तो ये हजार पर है, तो इसको हम लिखेंगे 1×1000 को लिखते हैं 10^3, ठीक है। और यहाँ लगाते हैं जमा का चिन्ह। अब बात करते हैं यहाँ की, तो ये जो लिखा हुआ है ये दशमलव के बाद एक अंक तक है, तो इसका मतलब अगर इसको 6/10 लिख दें तो इससे ये साबित होगा कि 0.6 के बराबर है। और ऐसे ही इसको देखें तो ये क्या होगा, ये होगा 3/, ये इधर से चलेंगे तो 1/100 भाग पर है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 3/100। इसको लिख सकते हैं 1×10^3 + 2×10^1 और 5×10^0 जमा, इसको अगर ऊपर लेके जाएं तो ये हो जाएगा 6×10^-1। और ये जो 100 है, 100 को 10^2 लिख सकते हैं, तो इसको जब ऊपर लेके जाएंगे तो हम इसे लिख सकते हैं 3×10^-2। तो ये हमारा उत्तर हुआ। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12 से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400400400 पर।